पैर धो लो, पैर आदत ही नहीं पड़ी छूने की। मैं गई कैमरे के पीछे, आज आ रहा मेरे संग हनी रावत भी। हनी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रख ली तूने हनी? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी देगी, उत्तराखंड शहर देहरादून फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का सफर है मेरा अपने मायके कालागढ़। कालागढ़ नहीं, कालागढ़ तो यहाँ है देहरादून में, कालागढ़ यूपी में पड़ता है, उत्तराखंड बॉर्डर पे, मतलब ये उत्तराखंड में पड़ता है वो भी। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो ऐसी बने रही, अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है। ये हनी रावत भी बैठ गया है, कान चेंज हो गया और अब जा रहा हमें हैप्पी नेगी छोड़ने, सौरभ नेगी। चल दिया चलो भाई, अभी हमें छोड़ने जाएगा कालागढ़। बिजनौर, बिजनौर बाय बाय। और बाय तो करते मामा जी को, अब उसका रोने वाला भूल हो गया क्यों? ये ट्रक में जाने के लिए कह रहा हनी रावत। अभी एक स्टॉप हमारा नजीमबाद में, और नजीमबाद से अगला सफर धामपुर कालागढ़। क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं हनी? देख हनी, ले हनी देख, क्या कर रहा हनी? हनी बाबू बताओ कहाँ जाए? नैनीताल। क्या करना है वहाँ नैनीताल में? क्या करना है? दाना खाने है, मछलियों को दाना खिलाने देहरादून से नैनीताल। कहाँ जा रहा है हनी? है हनी देहरादून? अरे देहरादून से तो आ रहे हैं हम। क्यों गया पीछे? कहाँ चलो, कहाँ चलो? देख सोन, कहाँ चलो? कर दो जय, कर दो बड़ी जवान हो जा, बड़ी जवान। अब फ्लैंक किस कर दो? अप्पा अप्पा। क्या कह रहा? देख शादी हो रही, देख शादी हो रही वहाँ। याच जा रहा है शादी में, याच याच।
ठीक 4 घंटे में हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंचे कादराबाद। और अब यहाँ से हमारा घर थोड़ा सा रह रखा 2 किलोमीटर दूर है। बैठ गया आगे। अरे कहाँ जा रहा है? कल खुश रहो। 4 बज रहे और 4:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए। वहां से 1 बजे हम गाड़ी में बैठे थे और ठीक 4:30 बजे मैं अपने घर पे आ गई हूँ। इधर ये हमारी क्यारियाँ हैं। हाँ गुमरा के काम तो पर ढोल वाल के लिए ब्याज ढोल वाल तो तुम्हारा ब्याज है नीचे बल मैं ढोल वाला भेज रही। मेरी भाभी कहती मैं ढोल वाला भेज रही बल है आधे रास्ते में। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ आई थी अपने पड़ोस में शादी में, तो पड़ोस की शादी में आ रखी हूँ मैं। तो ये लोग जो हैं ये पूरब सेट के, तो मैं आप लोगों से पूरब सेट की शादी शेयर करूँगी। अभी ये लोग जाएंगे पहले शादी से पहले, पहले इनका हुआ था तिलक, तो पूरा धूमधाम इन लोगों का तिलक में हो जाता है जैसे हम लोगों का रिसेप्शन वगैरह होता है। तो अभी ये लोग जाएंगे मिट्टी लेने, वहाँ से मिट्टी लेके फिर ये चूल्हा मतलब पुताएंगे, चूल्हा पोतेंगे और उसके बाद उसमें खील बनाएंगे। तो जो हम लोग दुल्हन हमारे में खील छटकती है तो इनमें दुल्हन इसी खील को छिटकेगी मतलब छटकेगी। तो अभी फ़िलहाल पहले जाते हैं हम लोग मिट्टी लेने की। लगा रही है फूल पौधे, तो उसने लगा दिए यहाँ पर फूल, तो इसने लगा तो दिए इसके दादाजी उखाड़े ना इनको। जा रही हूँ पड़ोस में, पड़ोस के शादी में अपनी भाभी के साथ। सामने है इन लोगों का घर पार, देखो कौन रखा चाहिए होगा। दोस्तों को लेके आ रहे। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। कौन कौन है भाई, ये नाम बताओ अपना अपना। और यहाँ तैयारी हो रही है चूल्हा लिपने के लिए, मिट्टी लाने की। तो सारे बैठ रखे हैं यहाँ पे, यहाँ सारे लोग तैयारी हो रही है। चाची ये है दूल्हे की मम्मी। आय हाय यहाँ तो चाची हीरोइन लग रही है। वैसे चाची हमारी हीरोइन है, ये बुआ जी है। अरे बाप, दूल्हे की नीतू ठीक हो है? ए बिंदु बुआ तो आप आ रही है, मेरी याद नहीं आई उस दिन से। ये मेरी बिंदु बुआ आ जाओ, ये दूल्हे की दूसरी बुआ है, 4 बुआ है दूल्हे की। आ जाओ, दूल्हा है कहा भाई? और ये भाई ये लग रहे हो कौन सी हीरोइन? चूल्हे चाची ने मैं हाय बस के बाद Oh,
ले जाएंगे मिट्टी खेत में से। ये खेत है पीछे जा भाई, ये तो तेरे कस्सी पकड़ रखी है, अरे तो कहीं चोट खा लेगा वो। बैठो बैठो जी, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ ना ना उधर को बैठो, पता उधर को। यहाँ खेत से ले जाएंगे लोग मिट्टी घर पे चूल्हा लीपने के लिए। ये बुआ जी है इनकी जो मिट्टी भरेंगी, ये है लड़के की बुआ। आंटी हेलो, हाँ जी ढंग से मांगो, बेटा की शादी का है, निकाल रही चाची और निकाल रही। चलो इसको सब रखो समेटो, दक्षिणा बांटी जा रही है सबको। प्रसाद बांटा जा रहा है यहाँ पे सब लोगों को। वहां से आने के बाद प्रसाद दिया, प्रसाद में क्या है दिखाओ भाभी। वैसे चले ये है प्रसाद में, ये भुन्ना है, मेरी मम्मी है सामने और भाभी इसी में आ गया, पहले आ गया। तूने ताऊजी को प्रणाम भी करा? पापा नमस्ते। इमरा भाई, ये भाई की लड़की, ये भाई की लड़की गोरी गोरी सी, राव से मेहंदी लगवाऊंगी निकले। तो
ये लगी मेरी पूरी मेहंदी। मेहंदी कंप्लीट हो गई हमारी। ये निकिता रावत ने कंप्लीट नहीं करी, ये दूल्हे की मेहंदी लगाने चली गई थी, मेरी इसकी फ्रेंड ने लगाई मेहंदी, मेरी और भाभी जी की और उजलों के रोने का और रुचि रावत। मेहंदी में जाने की तैयारी, ये राम ऐसा वो करना पड़ रहा है। रात को तो यहाँ भी बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ। मेहंदी लग रखी सब मेहंदी लगी तुम्हारी मेहंदी लगी इधर रोटियां बन रही हैं। खाना चल रहा है, खा लिया? अच्छा खाया जा रहा है। ए बधाई हो राहुल, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये हमारा दूल्हा हाथ हटा दे, खुश रहो खुश रहो। शकल तो दिखा दे अपनी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओहो अच्छा, ये साड़ियाँ तैयार हो रही दुल्हन की? दुल्हन के वहाँ जाएंगी साड़ियाँ? अच्छा सूट है? अच्छा 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 अच्छा। अरे चाची तुमने सूट क्यों पहनी? मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, ऐसे करो। निकी लगाइए कोर्स। हम लोग 11 बजे और तब आके खाया हम लोगों ने खाना वगैरह। मेहंदी भी मेरी अच्छी रच गई है और क्या कहते हैं, रुचि रावत बना रही है यहाँ पे मूली के पराठे। तो अभी सुबह बना रहे हम लोग नाश्ते में मूली के पराठे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली नई वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी और शायद हम लोग गोरखपुर बारात में जाने की तैयारी करेंगे। वहां जाएंगे हम राम मंदिर। अगर राम मंदिर घूमने जाएंगे तो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे तो मतलब शादी में जा रहे तो राम मंदिर कैसे जाएंगे? गोरखपुर और राम मंदिर में अंतर है। तो पहले राम मंदिर पड़ेगा, यहाँ से आज शाम को बारात जाएगी और सुबह पहुँच जाएगी। तो दिन भर कह रहे राम मंदिर घूमेंगे और शाम को रात की बारात है, तो फिर रात को बारात में जाएंगे और अगले दिन सुबह इधर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में बता दीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि
अगर राम मंदिर जाना है हम मल्ला सॉरी राम मंदिर की अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो अगली जो वीडियो आएगी मेरी तो वो आएगी राम मंदिर की। तो आज के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।